हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मोस्टली हमें कंफ्यूजन होता है। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, और जब भी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में ऐसे वर्ड्स देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, और समझ नहीं पाते कि इसका मीनिंग क्या है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बी को समझाया था, बीई। मैंने ये बताया था कि जो बी है वो इज एम आर का ही एक पार्ट है, लेकिन ये मेन वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म होता है वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो आज मैं आपको बी नहीं पढ़ा रहा हूं। आपको अगर बी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर बी को सर्च कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वीडियो बना हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो स्पीकिंग में काम आता है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बीन। बी में आईएनजी लग जाएगा, और दूसरा पढ़ाने वाला हूं बीन, बी डबल ई एन। तो दोस्तों, चालू करते हैं। बीइंग और बीइंग को समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका सेंटेंस मेकिंग क्या होगा, इसको इस्तेमाल कब करेंगे। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में शुरू से आखिर तक रहें, उसके एक एक बात को समझिए और सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जो हमारी इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बना देगी, और हमारी भाषा में चार चांद लगा देगी, आपको पता ही है। तो दोस्तों, चालू करें, एक के बाद एक सारे शब्दों को समझते हैं, सारे सेंटेंसेस को समझते हैं, और आखिरी में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भी दूंगा बनाने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे बना लेंगे, और कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। दोस्तों, बीइंग और बीन को समझते हैं, उसके बहुत सारे सेंटेंस समझते हैं, और ये पता लगाते हैं उसका मीनिंग क्या होगा, उसका सेंटेंस मेकिंग क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बीइंग समझाता हूं। बीइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो कि बी में आईएनजी फॉर्म लगा है। तो इसके कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं और मीनिंग समझते हैं। इट बीइंग अ रेनी डे आई विल नॉट गो आउट। इट बीइंग अ रेनी डे आई विल नॉट गो आउट। बरसात वाला मौसम होने के कारण मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जब भी मौसम में हम लोग ऐसी बात करेंगे, बरसात वाला मौसम, ठंड वाला मौसम, गर्मी वाला मौसम, धूप वाला मौसम, तब आपको बोलना पड़ेगा इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ क्लाउडी डे, इट बीइंग अ हॉट डे, इट बीइंग अ सनी डे। फिर आप अगला सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने और लिखा है, इट बीइंग अ कोल्ड डे यू शुड बेयर अ स्वेटर। ठंड वाला दिन होने के कारण आपको स्वेटर पहनना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, बीइंग अ टीचर ही कैन टीच यू वेल। शिक्षक होने की वजह से वह तुम्हें पढ़ा सकता है। शिक्षक होने के कारण वह तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकता है। शिक्षक होते हुए वह तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकता है। आप इसको अपने हिसाब से जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। शिक्षक होने की वजह से वह तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकता है, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू। कंटिन्यूअस टेंस का जो पेसिव वॉइस होता है, इसमें मोस्टली बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस में। इसका जब पेसिव वॉइस बनाएंगे तब हमको बीइंग का इस्तेमाल करना है। एक्चुअली ये जो है इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू, ये यू आर टीचिंग इंग्लिश एक्टिव वॉइस है, उसका ये पेसिव वॉइस बनाया गया है। आई एम हेल्पिंग यू जैसे दिया हुआ है, आई एम हेल्पिंग यू एक्टिव वॉइस है, तो इसका पेसिव वॉइस बनेगा यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसका पेसिव वॉइस बनेगा तुम्हारी मदद मेरे द्वारा की जा रही है, तुम्हारी मदद मेरे द्वारा की जा रही है। लिविंग बींग यानी होता है जंतु, जितने भी जंतु होते हैं, जीवधारी होते हैं, जिनमें जीव होता है, उसको हम लोग लिविंग बींग कहेंगे। ह्यूमन बींग का मतलब इंसान होता है, तो यहाँ पर भी बींग का इस्तेमाल करता है, जो कि नाउन का काम कर रहा है। स्टॉप बींग लेजी एंड गेट अप अर्ली। आलसी होना बंद कर दें और जल्दी उठें। स्टॉप बींग लेजी एंड गेट अप अर्ली। आलसी होना बंद कर दें और जल्दी उठें। आई इन्जॉय बींग विथ यू। मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने को इन्जॉय करता हूँ, तुम्हारे साथ रहने में मुझे मजा आता है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। आई अवॉइड बींग केयरलेस। मैं केयरलेस होना अवॉइड करता हूँ, मैं केयरलेस, मैं लापरवाह होने को नज़रअंदाज करता हूँ, मैं लापरवाह होना पसंद नहीं करता हूँ, यानी अवॉइड करता हूँ, नज़रअंदाज करता हूँ। आई डोंट माइंड बींग ऑन द लास्ट बेंच। आई डोंट माइंड बींग ऑन द लास्ट बेंच। लास्ट बेंच में होने का मैं बुरा नहीं मानता हूँ,
लास्ट बेंच में बैठने का मैं बुरा नहीं मानता हूँ या होने का मैं बुरा नहीं मानता हूँ, इस सेंस में आएगा। आई डोंट माइंड बींग स्कोल्डेड, मैं डांटे जाने का बुरा नहीं मानता हूँ। आई डोंट माइंड बींग स्कोल्डेड, आई डोंट माइंड बींग पनिश्ड, मैं सजा दिए जाने का बुरा नहीं मानता हूँ। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं कुछ बीन के कुछ सेंटेंस लेता हूँ और समझते हैं कि बीन का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। बीन जो है वो बी का थर्ड फॉर्म है जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। ही हैज बीन अ टीचर इन अ स्कूल, वह एक स्कूल में टीचर रहा है, वह एक स्कूल में टीचर रहा है। आप भी कह सकते हैं आई हैव बीन एन इंजीनियर इन दिस इंस्टीट्यूट, मैं इस संस्था में इंजीनियर रहा हूँ। आई हैव बीन एन इंजीनियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं इस संगठन में इंजीनियर रहा हूँ। तुम उस अस्पताल में डॉक्टर रहे हो, यू हैव बीन अ डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल, यू हैव बीन अ डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल, तुम उस अस्पताल में डॉक्टर रहे हो। फूड हैज़ बीन ईटन बाय अस, खाना हमारे द्वारा खाया गया है। ये परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस है। परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस में हमको बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना होता है जो कि वी हैव ईटन फूड का पेसिव वॉइस है। वी हैव ईटन फूड एक एक्टिव वॉइस है। ही हैज़ पनिश्ड मी, अब जैसे ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है ही हैज़ पनिश्ड मी, तो इसका पेसिव वॉइस बनेगा आई हैव बीन पनिश्ड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा सजा दी गई है, मुझे उसके द्वारा सजा दी गई है। ही हैड बीन एन एम्प्लॉई देयर 2 years ago, ही हैड बीन एन एम्प्लॉई देयर 2 years ago, वह 2 साल पहले वहाँ कर्मचारी रहा था, वह 2 साल पहले वहाँ कर्मचारी रहा था। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, अब दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम लोग बीन का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब में एनजी भी लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल किया जाएगा जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। द चाइल्ड हैड बीन स्टटरिंग सिंस चाइल्डहुड, बच्चा बचपन से हकला रहा था। यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, आप 2 घंटे से खेल रहे थे। ही विल हैव बीन टीचिंग सिंस जून, वह जून से पढ़ाता रहेगा, अगले जून से पढ़ाता रहेगा, नेक्स्ट जून भी कह सकते हैं हम लोग। ही विल हैव बीन टीचिंग सिंस नेक्स्ट जून, वह अगले जून से पढ़ाता रहेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे। बस आपको सिंस फॉर ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल किया जाता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यू शुड हैव बीन हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन सेटिस्फाइड, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए था, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए था। इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन इन द क्लास, कक्षा में अंग्रेजी बोली जानी चाहिए थी। English should have been spoken in the class, कक्षा में अंग्रेजी बोली जानी चाहिए थी। The class should have been taken on time, the class should have been taken on time, समय पर क्लास ली जानी चाहिए थी, समय पर क्लास ली जानी चाहिए थी। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में भी बीन का इस्तेमाल होता है। वैसे हैविंग के बाद आप वर्ब का कोई भी थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन बी भी एक थर्ड फॉर्म होता है। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा है, हैविंग बीन रिच ही कैन गिव यू सम मनी, रिच होने के कारण वह तुम्हें कुछ पैसा दे सकता है। हैविंग बीन अ टीचर ही कैन एक्सप्लेन वेल, शिक्षक होने के कारण वह तुम्हें अच्छे से समझा सकता है। तो दोस्तों ये बीन से कुछ सेंटेंस थे, बीन से रिलेटेड, बीइंग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलता हूँ हिंदी में, तो आप उसे बना के चेक कराएंगे। मैं कमेंट बॉक्स में इसका इंतज़ार करूँगा, मैं कमेंट बॉक्स में देखूँगा कि आपने सेंटेंस क्या बनाया। तो देखते हैं एक 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 करके सेंटेंस वन बाय वन। धूप वाला दिन होने के कारण हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, धूप वाला दिन होने के कारण हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर होने के नाते वह तुम्हारा इलाज कर सकता है, डॉक्टर होने के नाते वह तुम्हारा इलाज कर सकता है। मुझे समझाया जा रहा है, मुझे समझाया जा रहा है। तुम्हें गंभीर होना बंद कर देना चाहिए, तुम्हें गंभीर होना बंद कर देना चाहिए और मस्ती करना चाहिए, तुम्हें गंभीर होना बंद कर देना चाहिए और मस्ती करना चाहिए।
मैं क्लास में रहने को एंजॉय करता हूँ, मैं क्लास में रहने को एंजॉय करता हूँ, मैं कामचोर होने को नज़रअंदाज करता हूँ, मैं कामचोर होने को नज़रअंदाज करता हूँ, मैं पीटे जाने का बुरा नहीं मानता हूँ, मैं पीटे जाने का बुरा नहीं मानता हूँ, मैं पीटे जाने का बुरा नहीं मानता हूँ। पुरानी कार बेची जा चुकी है, पुरानी कार बेची जा चुकी है, यह टॉपिक पढ़ाया जा चुका था, यह टॉपिक पढ़ाया जा चुका था। तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका ट्रांसलेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा, और अगर आपके सेंटेंस सभी सही हुए तो मैं समझूंगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जो हमारी इंग्लिश को डेकोरेटिव अफेक्टिव इंप्रेसिव बना देगी और हमारी भाषा में चार चांद लगा देगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, पूरा भरोसा है कि मुझे कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा, और टॉपिक पसंद आया तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूँ जो हमारी इंग्लिश को सचमुच में ब्यूटीफाई कर देगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और शेयर करना भूलना नहीं दोस्तों। थैंक यू।